जगने बड़े उनको करूं प्रणाम, उनको करूं प्रणाम। तो बड़ा ही सुंदर दरबार आज सजाया है भक्तों ने। तो कहते हैं कि जय की खावे बाकड़ी मांगा गाओ गीत है। तो आज जन्माष्टमी का ये महापर्व देखिए, कलाकार खुश से खुश नहीं था यार। ये कल की बात बताता हूं मैं, भाई ने जैसे ही फोन किया कि आपको ये कार्यक्रम करना होगा और ये दाना लिखा था हमारे, नहीं हमारा प्रोग्राम हाजीपुर नानोल के पास था, वो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ का दाना पानी हमें बाबा ने देना था और हम यहाँ आपके दर्शन करने आए। तो ये जो दरबार देख करके क्या मन में आई है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। अनोखी शान है तेरी, निराला ढंग है तेरा, ना कोई जात है तेरी, ना कोई वर्ण है तेरा, ना बकवा का बाना, वतन बेवतन है तेरा, तू उसका है, सुनो भैया, तू उसका है वो तेरा है, जो करता है भजन तेरा। ये दरबार ऐसा है कि यहाँ पर इंसान बनकर ही जाया जा सकता है। तो आइए, कवि ने कैसे इस दरबार के बारे में क्या बताया। अजब दरबार है, गजब श्रृंगार है, भक्तों ने बड़ा सुंदर सजाया है। तो लोड़ राई मार दो, नजर उतार दो। जब कोई बच्चा छोटा होता है, जब वो सुंदर दिखता है ना, भैया देखो थोड़ा ध्यान है, ध्यान थोड़ा इधर रखो आप सभी। तो ये माताएं बहने है ना, लोड़ राई मारती है, कभी काजल का टीका लगाती है। तो आइए, आज ये दरबार इतना सुंदर लगा है और इस दरबार को कहीं नजर ना लग जाए तो सभी मिलकर के मीठी मीठी तालियों के साथ, क्या बात है। बहनों ने व्रत कर रखा होगा, लेकिन मीठी मीठी तालियों के साथ आवाज सभी को समझ आ रही है ना, बताइए मीठी मीठी ताली क्या बात है। Yeah.
कितना सुंदर दरबार आज सजाया है। तो लोड़े राई बार